तो मध्य प्रदेश में इन दिनों संक्रामक बीमारियां पैर पसारे हुए हैं। खासकर मलेरिया और डेंगू का प्रकोप सैकड़ों की तादाद में जाने ले चुका है। गांव के गांव खाली हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार नियंत्रण की बात कर रहा है, लेकिन हालात देखकर नहीं लगता कि कुछ खास किया जा रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। पूरे प्रदेश में हाहाकार, लोग हो रहे हैं सख्त बीमार, अस्पतालों में भर्तियां हैं जारी, मलेरिया डेंगू बन गया है महामारी, भोपाल में डेंगू का कहर। भोपाल के करबला इलाके में युवक कांग्रेस ने यहाँ पर नजारा भोपाल का है, जहां युवक कांग्रेस ने तेजी से फैल रहे डेंगू के लेकर मेयर का घेराव किया। अंदाज भले ही राजनीतिक हो, लेकिन डेंगू की समस्या ने भोपाल और आसपास के इलाकों में दहशत फैला रखी है। रोजाना पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। वहीं बीजेपी सरकार स्वच्छ भारत अभियान चला रही है। अस्पताल बुखार पीड़ितों से भरे हुए हैं। रोजाना सैकड़ों की तादाद में टेस्ट हो रहे हैं। हंगामे और लगातार उठ रहे सवालों से स्वास्थ्य विभाग में घबराहट देखी जा सकती है। एक खबर के मुताबिक अस्पताल में मामूली बुखार में भी मरीजों को प्लेटलेट्स चढ़ा दिए गए, मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। सरकार खुद डेंगू से 15 मौतें मान रही है, लेकिन कांग्रेस ने इस पर सरकार और स्वास्थ्य विभाग को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है और सदन में स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी है। हाँ, मैंने स्थगन लगाया है। मलेरिया, डेंगू और अलग अलग तरह की मच्छरों से संबंधित महामारियां जो सफाई को लेके इस ये सरकार और इनका देश की सरकार ढिंढोरा पीट रही है और जगह जगह डेंगू की महामारी से पूरा प्रदेश ग्रसित है, मैं समझता हूँ ये प्रमुख मुद्दा है। 15 लोग भी मरे तो हैं। अगर वो सरकारी आंकड़े भी बताती है कि 15 लोग इससे मरे हैं, तो ये सरकार इतनी ज्यादा निराशावादी है कि 15 लोगों की जान की इसके पास कोई कीमत नहीं है। मैं समझता हूँ ये सैकड़ों में मरने वालों की तादाद पूरे प्रदेश में है और हजारों लोग इससे पीड़ित हुए हैं और सरकार इस पे मौन है, अपने काम अपने धर्म में निर्वाह ढंग से कर नहीं पाई है सरकार। आदिवासी बहुल जिला झाबुआ मलेरिया की महामारी झेल रहा है। जिला अस्पताल का कोई बेड मरीज से खाली नहीं है। ज्यादातर मरीज ग्रामीण इलाके से पहुंच रहे हैं। जिले में अब तक 3500 से ज्यादा मलेरिया पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं। खुद मलेरिया विभाग ने ही 278 गांव को हाई रिस्क जोन घोषित किया है। जिले के तारखाड़ी गांव में पिछले 7 दिनों में 6 लोगों की बुखार से मौत हो गई। जिला वासियों की शिकायत है कि ग्रामीण इलाकों में मलेरिया विभाग ने ना तो छिड़काव किया और ना ही स्वास्थ्य विभाग ने कोई जांच टीम भेजी। नतीजा गाँव के गाँव बीमार पड़ रहे हैं। खुद मलेरिया अधिकारी मान रहे हैं कि दवाई की खेप न आने के चलते छिड़काव नहीं कराया जा सका। माथा दुखता है और कमर दुखती है और बुखार गर्म आती है, ऐसा बुखार आता रहता है, डेली बुखार रहता है। आपके गांव से कितने लोग बीमार हैं? गांव से तो पूरा गांव में बुखार आता रहता है, किसी घर एक हो किसी के दो है, ऐसा पूरा गांव में बुखार चल जाए। बुखार से 100-150 आदमी बीमार हैं, 5 की मृत्यु हो गई है, गंदगी बहुत फैली हुई है, मच्छर बहुत हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम टाइम पे आके और सर्वे नहीं कर रही है। दवाइयों का छिड़काव आपके गांव में कब से नहीं हुआ? करीबन 8-10 साल हो गए सर। दवाई है किंतु जो एक मतलब जो गांव में एक हाईएस्ट जो जोन होता है, गांव छाटे जाते हैं, सेलेक्ट किए जाते हैं, उसके लिए जो गांव में दवाइयां जो स्प्रे की जाती है, वो राउंड जो सेकंड राउंड होना था वो नहीं हो पाया है, क्योंकि उसके लिए अलग बजट आता है, खर्चा आता है और जो लेबर रहते हैं उनको भी लेबर चार्जेस दिया जाना था, उसका फंडिंग। बुरहानपुर में मौसमी बीमारी से जिला अस्पताल में मरीजों की बाढ़ आ गई है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से डायरिया, मलेरिया, डेंगू और उल्टी दस्त से पीड़ित लोग जिला अस्पताल में पहुंच रहे हैं। शहर के आदिलपुरा, शिकारपुरा, रास्तीपुरा, आजाद नगर, दौलतपुरा इलाके से मरीज इलाज के लिए अस्पताल पहुँच रहे हैं। हालत ये है
कि अस्पताल में क्षमता से अधिक मरीज हैं। बुखार का जो मलेरिया का है वो तो मच्छर काटने से होता है, और डेंगू भी मच्छर काटने से ही होता है, ठीक है। और उल्टी दस्त का तो खाने पीने पानी, शुद्ध पानी नहीं हो, उसके इन्फेक्शन से ही होता है। यहाँ पे मेरे यहाँ पे कैपेसिटी से बहुत ज्यादा मरीज भरती है, इसके बाद भी हम अपनी पूरी व्यवस्था से अपना उनका इलाज कर रहे हैं। सीधी में भी मलेरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जिले में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। झोलू टोला, बैसिया, भरूही, बिलारो, पोखरा गांव में मलेरिया से लगभग 200 लोग पीड़ित हैं। जिला अस्पताल में मलेरिया पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिला प्रशासन ने लापरवाही बरतने के आरोप में DMO अखिलेश दुबे, नोडल अधिकारी डॉक्टर GP आर्या, डाटा मैनेजर विवेक शुक्ला समेत 4 अन्य कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। डॉक्टर महिमा तिवारी और MPW ब्रजेंद्र गौर को भी हटा दिया गया है। कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने ये कार्रवाई की है। कलेक्टर ने प्रभावित गांव का दौरा भी किया है। डिंडौरी भी मौसमी बीमारी की चपेट में है। यहाँ के शहपुरा गांव में तो संक्रमक बीमारी ने महामारी जैसे हालात बना दिए हैं। मलेरिया, टाइफाइड, पीलिया जैसे बुखार से तकरीबन 80% लोग ग्रस्त हैं, और पिछले एक महीने में 4 से ज्यादा मौतों की पुष्टि हो चुकी है। गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र भी है जहां आए दिन ताला पड़ा रहता है। खुला भी हो तो सिर्फ यहां कंपाउंडर और नर्स ही मिलते हैं, डॉक्टर नदारद। ऐसे में ग्रामीणों को प्राथमिक उपचार भी नहीं मिल पा रहा है। ज्यादातर मरीज जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं, और जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है वो जबलपुर जा रहे हैं। जिला अस्पताल मरीजों से भरा पड़ा है। यहां कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके पास पैसा है तो डिंडोरी जाकर इलाज करवावा या फिर मृत्यु सैया का इंतजार करे वो। अब क्या है, अब स्वास्थ्य केंद्र है सर, यहाँ नर्स वगैरह रहते हैं। अब नर्स तो गोली वोली देते हैं, लेकिन आदमी जो है उतना जा नहीं पाता वहाँ। यही नहीं, ग्वालियर संभाग में भी डेंगू ने पैर पसार रखे हैं। कुल मिलाकर आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में मौसमी बीमारियों ने कहर ढा दिया है। अगर आंखों की बाजीगरी ना की जाए तो इस वक्त प्रदेश में सैकड़ों लोग मलेरिया, डेंगू और टाइफाइड में जान गंवा चुके हैं, और अनगिनत मरीज भर्ती हैं। यह आंकड़ा स्वास्थ्य सेवाओं और मलेरिया विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने के लिए काफी है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।